प्रदेश सरकार ने किया है और जांच में आया है। आंध्र प्रदेश सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे और यह जो धर्म से खिलवाड़ है इसमें उनका सजा भगवान देंगे। जब जब हुई धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम तब तब धर्म मुनि हरिये दुख भव बजना चाहिए, तो चंद्र नायडू इस दुख को हरण करेंगे और उनको सजा देंगे। बहुत गलत बात है। हम लोग कह रहे हैं 3 लाख लड्डू रोज बनते हैं, 10,000 के लोग ही लगता है, यानी कि 3 लाख लोग ऑलमोस्ट रोज ही खराब हो रहे हैं। बहुत दुख की बात है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सजा तुरंत मिलनी चाहिए उनको और ये तुरंत बंद होना चाहिए। वृंदावन में बहुत अच्छा है, अभी तक तो कुछ नजर नहीं आया कि हम लोग निश्चिंत होकर कहीं भी जाकर प्रसाद ले लेते हैं और अब तक कोई शिकायत कहीं मिली नहीं है। बिल्कुल होना चाहिए कि हम लोग धार्मिक हैं और सबके लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं तो फायदा क्या हुआ फिर। और विशेष धार्मिक स्थल है तिरुपति बालाजी, छोटा नहीं है। जैसा कि निरंतर न्यूज़ के चैनल के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में किसी तरह की चर्बी का होना पाया गया है, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे श्री बांके बिहारी मंदिर में वृंदावन में जो बिहारी जी को भोग बनता है वो रसोई में बिहारी जी के प्रसाद में बहुत शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। ऐसा देखा जाता है कि अगर कहीं भी चर्बी का या ऐसा कोई भी मिक्सर आ रहा है तो वो घी के माध्यम से ही आ सकता है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बिहारी जी के भोग के लिए जो हम घी दूध दही मक्खन का प्रयोग करते हैं वो ब्रज में ही, हमारे यहाँ बहुत गौए हैं क्योंकि ठाकुर जी का ब्रज गौओं के लिए बहुत प्रचलित है, तो यहीं हमारे यहाँ गौएँ होती हैं हमारी अपनी गौशाला की, उन्हीं से दूध लिया जाता है, उन्हीं के दूध का भगवान का भोग लगता है, दही जमाया जाता है, उसी का मक्खन और घी लगाकर ठाकुर जी की रसोई में बनता है और वही भगवान को प्रसाद में लगाया जाता है। किसी प्रकार का बाहर से घी या मक्खन या दही नहीं लिया जाता है, क्योंकि यदि इस प्रकार का कोई भी आचरण कहीं से भी किया जाता है तो अपने धर्म को बचाने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सनातन धर्म के लिए, अपनी हिंदू संस्कृति के लिए और अपने मंदिरों की शुद्धता पवित्रता को बचाए रखने के लिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें ताकि भगवान का प्रसाद शुद्ध पवित्र बन सके। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी धर्माचारी या कोई भी पुजारी या पंडित नहीं चाहेगा कि भगवान की सेवा पूजा में कोई त्रुटि हो, लेकिन अगर कहीं से भी कोई सामान ऐसा आ गया है या कोई ऐसा माध्यम बना है तो विवेचना का विषय है, उसको समझना चाहिए और उन कमियों को दूर करना चाहिए। मैं पुजारियों से और शासन अधिकारियों से निवेदन करूँगा कि भगवान की सेवा पूजा के लिए जो प्रसाद बन रहा है या जो पूजन सामग्री जा रही है उसे चुनिंदा किया जाए, उसे उसके विवेचना की जाए और शुद्धता पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये भगवान का विषय है, ये आस्था का विषय है, हमारे ठाकुर जी का विषय है। किसी प्रकार की कोताही बरतने में हमारे लिए ये अस्वीकार होगा, इसलिए निवेदन है कि इसको अच्छे से अच्छा प्रयास किया जाए।